An indifference curve has a negative slope, that is, its slope downward left to right. This is the point one. This is very simple. It happens because if the consumer decide to have more unit of one good, says Apple, he will have to reduce the number of unit of another good. It can be anything, banana. So that total satisfaction remain the same. मतलब the basic reason this कि जब तक हमारा total satisfaction same नहीं होगा, मतलब अगर total satisfaction नहीं है ना, मतलब same नहीं है, it don't means कि we are studying IC और ये indifference curve है. Total satisfaction same होना चाहिए. जब भी हम कोई भी चीज apple जब हम continuously consume कर रहे हैं, तो after a time हमारा मन भर जाता है एक कमोडिटी से, तो हम वी शिफ्ट टू समथिंग एल्स. कुछ भी हो सकता है, या तो लगातार उस गुड को कंज्यूम करोगे या उसको घटाओगे. सो दिस इज व्हाई इनडिफरेंस कर्व हैज अ नेगेटिव स्लोप. हमको एक गुड से दूसरे गुड पे शिफ्ट इसलिए करना पड़ता है ताकि हमारा सेटिस्फेक्शन सेम रहे. ओके, पॉइंट टू, इनडिफरेंस कर्व इज ऑलवेज कॉन्वेक्स टू इज ओरिजिन बिकॉज ऑफ डिमिनिशिंग MRS. ये सर ने समझाया था कि MRS declines continuously because of law of diminishing marginal utility. When the consumer consume more and more of apple, his marginal utility, मतलब his satisfaction, his utility from apples keep on declining. वो कम होती जाएगी. जब कोई भी चीज जब हम एक्सेसिव करने लग जाते हैं, आफ्टर टाइम हमें वो चीज नहीं पसंद आती, हम उससे ऊब जाते हैं कि नहीं यार अब बस बोर हो गए. तो आफ्टर टाइम मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एप्पल्स कीप ऑन डिक्लाइनिंग एंड ही इज विलिंग टू गिव अप लेस एंड लेस ऑफ बनानास ऑन ईच एप्पल. जो चीज हम मतलब जो क्वांटिटी हम बनानास से निकाल के एप्पल में डाल रहे थे, आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम हम धीरे धीरे उसको कम कर देंगे. इससे क्या होगा, एप्पल्स की जो क्वांटिटी रेट है वो कम हो जाएगी और जो बनानास की क्वांटिटी रेट है वो ज्यादा हो जाएगी. इससे हमारा जो सेटिस्फेक्शन है वो बैलेंस रहेगा. एंड दिस इज ऑल्सो इट इज ड्यू टू दिस इज ऑल्सो बाय MRS एंड दिस इज द रीजन वाई इनडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू ओरिजिन. पॉइंट थर्ड, टू इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. हियर यू कैन सी इन दिस डायग्राम, फर्स्ट एज वी नो हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर द लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ठीक है, और एक ग्राफ पे जितने भी पॉइंट होते हैं इट कंटेन द सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन. ये जो IC1 है, सी इन द डायग्राम IC1, जितने भी पॉइंट्स हैं इसके अंदर सबका सेटिस्फेक्शन लेवल सेम है. बट व्हेन वी मूव टू IC2 हैज हायर सेटिस्फेक्शन. तो ऐसा कैसे हो सकता है कि पॉइंट ए पे दोनों से मतलब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, दैट मींस हमारा सेटिस्फेक्शन सेम है. दिस इज नॉट पॉसिबल. सो टू इनडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. ओके, हायर द इनडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर सेटिस्फेक्शन एज आई टोल्ड यू अर्लियर आल्सो एंड अबव पॉइंट आल्सो. कि जितना बड़ा मतलब हमारा इनडिफरेंस कर्व होगा, हायर द इनडिफरेंस कर्व हायर द सेटिस्फेक्शन लेवल. हमने एक वो लॉजिक पढ़ा था मोनोटोनिक प्रेफरेंस वाला, विच मीन्स मोर यूटिलिटी. एक कंज्यूमर को हमें हमेशा चीज एक्स्ट्रा ही चाहिए, हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल हमेशा बढ़ता ही रहता है. हमें जब जितना एक्स्ट्रा जितने गुड ऑफ बंडल्स, जैसे IC1 में समझ लो 2 बंडल्स हैं, तो IC3 में 4 होंगे, IC4 में 5 होंगे. तो जितने बंडल्स बढ़ेंगे वैसे वैसे हमारा सेटिस्फेक्शन भी बढ़ेगा. मूविंग फॉरवर्ड ऑन नेक्स्ट स्लाइड, इनडिफरेंस कर्व टचेस नीदर एक्स एक्सिस नॉर वाई एक्सिस. इट इज वन ऑफ द अजम्पशन कि दो कमोडिटीज हमेशा होनी चाहिए, तो हम कंपेयर कैसे करेंगे अगर नहीं होगा तो, कि हमें कौन सी चीज ज्यादा प्रेफर हुई. तो ऑलवेज देयर शुड बी टू थिंग्स. इन फर्स्ट डायग्राम यू कैन सी इफ आईसी टचेस ऑन एक्स एक्सिस इट वुड मींस जीरो कंजप्शन ऑफ गुड वाई. तो ये कैसे हो सकता है, हमें एटलीस्ट दो चीजें चाहिए हमारा सेटिस्फेक्शन रिमेन करने के लिए, ऐसे तो फिर कैसे होगा. तो नाइदर यू कैन टच द एक्स एक्सिस नॉर ऑन वाई एक्सिस. अगर वो हो गया इसका मतलब हमारे पास वो बंडल है 0-2 या फिर 0-8 या 8-0, तो इट डजंट एग्जिस्ट लाइक दिस. वी हैव रीड द प्रॉपर्टीज, नाउ अजम्पशन ऑफ इनडिफरेंस कर्व व्हिच इज द लास्ट स्लाइड ऑफ माय प्रेजेंटेशन. पॉइंट वन, टू कमोडिटीज. इट इज अज्यूम्ड दैट द कंज्यूमर हैज अ फिक्स्ड अमाउंट ऑफ मनी होल ऑफ व्हिच इज टू बी स्पेंट ऑन द टू गुड्स.
गिवन कॉन्स्टेंट प्राइसेस ऑफ बोथ द गुड्स. दो कमोडिटीज होना हमेशा जरूरी है. जो कंज्यूमर है उसकी जो सैलरी है और जो मनी है इट शुड बी कॉन्स्टेंट, और उसको वो सारा पैसा दो कमोडिटीज पे लगाना जरूरी है. तभी तो वो जब वो लगाएगा तो वो बता भी पाएगा कि उसको कौन सी बेटर लगी. ही कैन गिव द प्रेफरेंस ओवर द गुड्स. इट इज ऑलवेज इट इज नेसेसरी. पहले वाले पॉइंट अपन ने पढ़ा था ना कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों को ही टच नहीं कर सकता, इसीलिए नहीं कर सकता क्योंकि वी नीड टू कमोडिटीज. ओके, नॉन सैटायटी. सैटायटी मींस सैचुरेशन, मतलब सेटिस्फेक्शन पॉइंट. इट इज अज्यूम दैट द कंज्यूमर हैज नॉट रीच द पॉइंट ऑफ सैचुरेशन. जब हम सेटिस्फेक्शन के पॉइंट पे पहुंच जाएंगे तब हमें आगे तो कुछ चाहिए ही नहीं. तो ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा तो फिर इनडिफरेंस कर्व बढ़ेगा ही नहीं आगे, है ना. ही ऑलवेज ट्राई टू मूव हायर आईसी टू गेट हायर एंड हायर सेटिस्फेक्शन. हमेशा हमें आगे, मतलब आगे बढ़ना है हायर सेटिस्फेक्शन, मतलब हमें और ना और ना, और बंडल चाहिए. यहाँ पर एक चीज बहुत क्लियर होती है, एक सेकेंड, यहाँ पर हम लोग एक और एग्जांपल दे सकते हैं. आप अपने लाइफ के अंदर भी अगर आप देखोगे तो आप अगर एक जगह एस्टेब्लिश हो जाओगे कि हाँ मेरा सेटिस्फेक्शन यहाँ पे मुझे मिल गया है, देन यू डोंट ट्राई टू गो फॉर अनदर थिंग्स. तो हम इसीलिए कभी भी ह्यूमन लाइफ इज डिपिक्टेड विद दिस ओनली कि हम सेटिस्फाइड नहीं होते, एंड बिकॉज हम सेटिस्फाइड नहीं होते इसलिए हमारी इच्छाएं कभी खत्म नहीं होती और हम हमेशा कुछ ना कुछ हायर मांगते रहते हैं. अगर आज आपको चाहिए कि मेरे को सपोज करो 12th में अच्छे रिजल्ट चाहिए, तो ऐसा तो होगा नहीं ना कि 12th के रिजल्ट के बाद आप आगे और डिमांड नहीं करोगे. आगे आप ये नहीं कहोगे कि मुझे कॉलेज में भी अच्छा चाहिए या उसके बाद अच्छा जॉब चाहिए, उसके बाद अच्छी फैमिली चाहिए. सब कुछ आप रेगुलर, एक डिमांड खत्म होता नहीं है दूसरा डिमांड शुरू हो जाता है. इनफैक्ट आई कैन से एक साथ हमारे 4-5 डिमांड होते हैं, सेटिस्फेक्शन होती है और उसकी प्रायोरिटी लिस्ट होती है. तो दैट्स व्हाई इकोनॉमिक्स को हम स्टडी ऑफ ह्यूमन बीइंग भी कह देते हैं. साइकोलॉजिकल लॉ के हिसाब से अगर आप देखो फंडामेंटल्स जो है ह्यूमन बीइंग्स के वो इकोनॉमिक्स में आ जाते हैं. ये नॉन सैटायटी दैट ही है, वो वही अजम्पशन है कि हम कभी भी सेटिस्फेक्शन पॉइंट पे नहीं पहुंचते, इसीलिए हमें हायर आईसी चाहिए होती है. अगर आपके पास हायर आईसी अवेलेबल है, इंडिफरेंस कर्व अवेलेबल है, तो आप हमेशा उसकी तरफ जाना ज्यादा पसंद करोगे रदर देन बीइंग ऑन योर सेम आईसी व्हिच यू आर इन. ओके, चलो अंजलि कंटिन्यू. दैट इज व्हाई वी ऑलवेज ग्रो टुवर्ड्स समथिंग. थर्ड पॉइंट, ऑर्डिनरी यूटिलिटी. Consumer can rank his preference on the basis of his of the satisfaction. We have read two utilities, right? Cardinal utility and ordinal utility. So ordinal utility में से every point is linked with each other. हमें हमेशा दो commodities चाहिए ताकि हम as per the ordinal utility law की हम law नहीं हम लोग preference rank दे सकें कि this apple is first on our prior list. Bananas are on second. So consumer can rank his preference on the basis of satisfaction. ये assumption है indifference curve का, ताकि हमें पता चलता रहे कि हमें और कितना, मतलब हमारे जो कभी banana preference जिसे first आ जाता है, कभी apple या जो भी दो commodities हैं x और y. We can show it by ordinal utility. Diminishing marginal rate of substitution, point 4. Due to this assumption, an IC is convex to its origin, जो हम पहले पढ़ चुके हैं. Always diminishing, मतलब हम लोग ये, मतलब indifference curve basic यही है कि हमेशा कुछ ना कुछ एक commodity से जब हमारा मन भर जाएगा तो हम दूसरी commodity से shift करेंगे to balance our satisfaction, and this is called diminishing marginal rate of substitution. हमें हमेशा substitute करना पड़ता है. Rational consumer, which means consumer always aim to maximize his total satisfaction. It is the large assumption of indifference curve ki ek consumer hamesha rational hoga, matlab use hamesha maximize, matlab use hamesha profit maximize chahiye, matlab hamesha satisfaction profit nahi sorry satisfaction use hamesha chahiye, maximizing his total satisfaction. He will always like, वो भी जैसे ऊपर वाले पॉइंट में नॉन सैटायटी वाले पॉइंट पे सर ने बताया और मैंने जैसे बताया कि ऑलवेज ही वॉन्ट टू मूव हायर. उसका जो उसे टोटल सेटिस्फेक्शन है उसका वो बढ़ता ही रहता है. जब एक कंज्यूमर उसका सेटिस्फेक्शन नहीं बढ़ेगा, जब वो एक पॉइंट पे स्टक हो जाएगा, तो ही विल नॉट मूव. ही विल, मतलब ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ और चीज की डिमांड करे या कुछ और, जो उसके पास है उसी में खुश है, तो आगे बढ़ेंगे कैसे, आगे बढ़ेंगे कैसे. So this is rational consumer always want to maximize his satisfaction. So this is it. I have done with my indifference curve. Thank you.
वेलकम, क्लैप फॉर हर एवरीवन। यस, थैंक यू सो मच। कम बैक टू द वीडियो, प्लीज स्विच ऑफ योर शेयरिंग। यस, थैंक यू सो मच। सो आई बिलीव यहां तक सबको समझ आ गया। इज देयर एनी डाउट इन बिटवीन? यहां तक किसी को कोई डाउट है इस चैप्टर में? अलग समझ आ गया? यस सर। देवांशी, मनीष सर आ गया। चलो बढ़िया बात है। अब इसके आगे जो है वो है कंज्यूमर बजट, बजट सेट और डिमांड के बारे में है कुछ चीजें, ठीक है? वो हम लोग आगे करेंगे। कोई है जो इसको लेना चाहेगा? मेरे ख्याल से किसी ने कंज्यूमर बजट, बजट सेट और डिमांड का जो पार्ट बचा हुआ वो लिया नहीं है। कोई है जो इसके ऊपर प्रेजेंटेशन तैयार करके शो करना चाहेगा कल से? पहले बजट का आएगा, कंज्यूमर बजट और बजट सेट हम जिसे कहते हैं, बजट सेट, बजट लाइन एंड ऑल। क्या बोल रहे हो सर? कब तक? कल से स्टार्ट करेंगे ना, क्योंकि हमें तो कंप्लीट करना है इस वीक के अंदर ये पूरा। हेलो। हाँ कोई है जो लेना चाह रहा है, या फिर मैं कल से स्टार्ट करूं कंज्यूमर बजट, बजट सेट एंड बजट लाइन एंड ऑल? सर मैं आपको बता दूंगा एक घंटे में फोन करके। यू सेट या सर? मैं भी बता दूंगी, दिस इज द सेम आंसर आई वाज थिंकिंग। ओके फाइन, चलो एक घंटे बाद या डेढ़ घंटे के बाद बता देना। अगर कोई ले रहा है तो मेरे को बता देना। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा। हां मैं टॉपिक्स बता देता हूं। कंज्यूमर्स बजट है जिसके अंदर बजट सेट और बजट लाइन आता है, ठीक है? उसके बाद ऑप्टिमल चॉइस ऑफ द कंज्यूमर है, और फिर डिमांड है, ठीक है? ये तीन से चार टॉपिक है, तो ये तीन से चार टॉपिक आपको कवर करना है। अगर कोई है जो कर सकता, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड भी है, ठीक है? ये चार टॉपिक्स है। अगर